ये भाई ये भी मीट का कोरमा जबरदस्त था और शादी ब्याह वाली खुशबू आ रही है मुझे। दाल वाला कोरमा है, बिरयानी जबरदस्त किस्म की निकल रही है और ये पुलाव चेक करें आप, ये चीज ये आपने नुसरत वाले स्टाइल में किया है। पुलाव ले लिया तो कूपन मैंने डाल दिया मेहरबानी करके, कूपन कूपन का क्या सीन है, मोटरसाइकिल है भाई मोटरसाइकिल। पुलाव यहाँ से ले और उसकी पर्ची जो है वो आप बॉक्स के अंदर डाल दें, ये जो इनामत है ये सब मिलेंगे। ये पार्सल वाली लाइन लगी हुई है निहारी की और वो उधर निहारी का सीन बना हुआ है। ओके कैसी होती निहारी इनकी है? ओ, ये देखो भाई ये पूरी बोंग है, ये चाहे एक पतीला वो लगा हुआ है, उधर से भी निहारी निकल रही है और इधर से भी निकल रही है, ये सर, यहाँ से भी दो दो माशाल्लाह पतीले से चल रहे हैं ये माशाल्लाह। ब्लॉग बना रहे हैं तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई कराची में 4K चौरंगी के पास, ये है नॉर्थ कराची और आज हम आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट पे जिसका नाम बहुत ही खूबसूरत है दरबारे मदीना और 1989 से ये रेस्टोरेंट यहाँ पे है जिनकी निहारी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो आज मैं ट्राई करूँगा क्योंकि नई निहारियाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ जो मैंने पहले ट्राई नहीं की हैं। इसके अलावा इनके पास पुलाव भी है, कढ़ाई भी है, बारबेक्यू, फास्ट फूड, काफ़ी सारी चीज़ें जो आज हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चले अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह करम जबरदस्त। क्या हाल है भाई, ठीक है आप? ठीक है। ये सलाद कहाँ के लिए होता है? ये सलाद दरबारे मदीना के लिए भाई। दरबारे मदीना का ही है? ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, दरबारे मदीना का भाई सलाद का सीन बना हुआ है यहाँ पे। ये देखे भाई ये दरबारे मदीना रेस्टोरेंट है और यहाँ पे ये आते ही सीन बना हुआ है, जबरदस्त किस्म का पुलाव। कैसे हैं भाई, ठीक है? खैरियत से? कैसे भाई, ठीक है? कौन सा पुलाव है ये? बीफ यखनी पुलाव है भाई यहाँ पे, ये देखें आप। आपने पुलाव खाया ना यहाँ पे, कैसा है बताया ना भाई साहब को? कैसा है भाई पुलाव? जबरदस्त है। और निहारी? निहारी भी ओके। कैसे हैं आप, ठीक है? क्या नाम है आपका? मुजाहिद भाई, आप मुझे हेड शेफ लग रहे हैं यहाँ पे, हेड शेफ हैं आप शेफ के? अरसा हो गया। कितना अरसा हो गया? 15-16 साल हो गया। 15-16 साल हो गए। तो ये पुलाव यखनी और बिरयानी कोरमा ये आपकी निगरानी में बन रहा है? अच्छा माशाल्लाह। ब्लॉग बना रहे हैं, ये चेक करें भाई आप, बिरयानी जबरदस्त किस्म की निकल रही है, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये भाई ये भी मीट का कोरमा जबरदस्त था और शादी ब्याह वाली खुशबू आ रही है मुझे। मुजाहिद भाई वाला कोरमा है जबरदस्त यार, जबरदस्त। और ये पुलाव चेक करें आप, पुलाव कोरमा और बिरयानी तीनों आइटम आपके VIP रखे हुए हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है भाई? नाम मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर भाई जबरदस्त, जुबैर भाई जो है वो स्टाइल में पुलाव निकाल रहे हैं माशाल्लाह। जुबैर भाई क्या बात है, ये चीज ये आपने नुसरत वाले स्टाइल में किया है, वाह 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 वाह, जबरदस्त सीन बना हुआ है। और ये यहाँ पे इनामात वगैरह रखे हुए हैं सब। पुलाव ले लिया तो कूपन मैंने डाल दिया मेहरबानी करके, कूपन मोटरसाइकिल दिलवा। कूपन का क्या सीन है? मोटरसाइकिल है भाई, मोटरसाइकिल। भैया कैसे हैं आप, खैरियत से? ये है भाई काशान भाई जो कि दरबार मदीना रेस्टोरेंट के ओनर है और माशाल्लाह काफी जबरदस्त यहाँ पे सीन बना हुआ है। ये जो पीछे गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं क्या सीन है? सर ये दरअसल बीफ पुलाव पे कुरान दादी चल रही है हमारी कि आप एक पुलाव खरीदे एक पाव और पैसे मिलती है, आप इसमें डालें घर ले आए, फिर हर संडे जो है इसकी कुरान दादी होगी, कुछ इनामत है, पुलाव की प्रमोशन चल रही है। जी जी है? जी सही टाइम पे आ गए, हम भी अपनी पर्ची डाल देंगे। बिल्कुल भाई वाह, ये देखे कुरान दादी बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये पुलाव कोरमा बिरयानी और सिर्फ पुलाव पे, बिरयानी बिरयानी पे नहीं, नहीं सिर्फ पुलाव, अच्छा सिर्फ पुलाव, अच्छा अच्छा। क्या हाल है भाई, ठीक है? ये पुलाव यहाँ से ले और उसकी पर्ची जो है वो आप बॉक्स के अंदर डाल दें,
और तो ये जो इनामात रखे हुए, ये भाई गार्ड भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे ये गन वन लेके, ये देखें आप ये जो इनामात है ये सब मिलेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, ये माशाल्लाह भाई पुलाव के पतीले आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ये देखिए भाई नया नया पतीला आया है, ये चेक करें आप, निकल रही है इंतहाई जबरदस्त। हाँ भाई मज़ेदार सा पुलाव जो है ना वो निकलता जा रहा है, ऑर्डर आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मजे मजे की वीडियो आती रहती है, आप लोग देखते रहते हैं। लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर हम अंदर चले। ये यहाँ पे शीरमाल, दाफ्तान, कुलचे और उधर पराठे लग रहे हैं, ये भारी इतना माशाल्लाह रौनक है तो अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। क्या हाल है भाई, कौन कौन से पराठे हैं? पूरी पराठा है, लच्छे वाला पराठा है, तवे वाला, रोल का पराठा है। अच्छा बहुत सारे पराठे, वाह भाई वाह। ये भाई शीरमाल, ये भाई इधर पराठों का सेटअप है, यहाँ पे शीरमाल, दाफ्तान और कुलचे मिल रहे हैं। यहाँ पे ये आपके पुलाव, बिरयानी, कोरमा हो गया, और अंदर आ जाए हम, अभी अंदर पहुँचे ही नहीं है हम। ये देखें आप भाई माशाल्लाह माहौल बना हुआ है। ये काशान भाई ये क्या सीन है ये? सर ये शामी कबाब है, बेसिकली लोग शामी भी लेते हैं, ये बन रहा है हमारा अंडा कबाब। अच्छा ये कबाब होते हैं, दो कबाब होते हैं और बाकी ये मसाले होते हैं कुछ। हाँ। और उसमें अंडा डालते हैं और फिर ये उसका डाला बनाते हैं। डिश होती है ये? अंडा कबाब बोलते हैं हम इसको, अंडा कबाब। पराठे से खाते हैं, रोटी से खाते हैं? ज्यादा चपाती से। अच्छा चपाती से, ओके। कितने का होता है ये? 180 का। 180 का, कितने कबाब डालते हैं? तीन बंदे आराम से खा लेते हैं। अच्छा दो कबाब डालते हैं, एक अंडा और बाकी। हाफ भी होता है? नहीं हाफ का, हाफ भी होता है। ये भाई ये देखें आप शामी कबाब लगे हुए जबरदस्त से, अंडा कबाब बना रहे हैं भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्ला है भैया। सैफुल्ला भाई बना रहे हैं अंडा कबाब, माशाल्लाह क्या रौनक लगी हुई है भाई। ये जा रही है निहारी, ओ ये किस चीज़ की निहारी लेने खड़े हैं आप लोग? नहीं भाई ये आप देखें भाई, ये पार्सल लेने आए आप लोग, ये पार्सल वाली लाइन लगी हुई है निहारी की, और वो उधर निहारी का सीन बना हुआ है। ओके बड़ी क्यों लगी हुई निहारी पे माशाल्लाह भाई? आप निहारी खाएंगे तो फिर आप बताएंगे कैसी है निहारी। यार हमने तो खाई नहीं, सच्ची बात है। अभी आज तो ये माहौल देख के तो अलग ही सीन चल रहा है। और इधर जो है भाई ये कढ़ाई का सीन बना हुआ है, बारबेक्यू कढ़ाई कटाकट कबाब मसाला। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये कबाब निकल रहे हैं, कैसे भाई जान? ठीक है, क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद भाई आप कहाँ से? कोयटा, पिशावर, चतराल? चतराल से, माशाल्लाह। अब्दुल हमीद भाई बना रहे चतराली कढ़ाई, बना रहे या कौन सी वाली? चतराली बनेगा, पेशावरी बनेगा, लाहौरी बनेगा, सब चीज बनेगा, सब बनेगा, सब बनेगा, शिनवारी भी बनेगा, भी बनेगा। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, सब कढ़ाई बनेगा। चतराल नहीं गया मैं अभी तक यार, चतराल जाना है मुझे इंशाल्लाह। जब आने वाला सीजन बहुत खूबसूरत है चतराल। ये देखिए आप कढ़ाइयों की कढ़ाइयाँ लगी हुई है, मटन कढ़ाई भी है, मटन कढ़ाई भी है, चीज कढ़ाई भी है, और व्हाइट कढ़ाई भी है, ग्रीन कढ़ाई भी है, बलोची कढ़ाई भी है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखें भाई यहाँ पे बारबेक्यू लगा हुआ है, भाई बना रहे हैं बारबेक्यू। अच्छा भाई इधर तो ये कढ़ाई हो गई, ये कबाब मसाला हो गया, बारबेक्यू वगैरह हो गया, और इस तरफ जो है वो ये सारा सीन है फास्ट फूड का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है भाई, क्या क्या है फास्ट फूड में? सर फास्ट फूड में ब्रोस्ट है, ब्रोस्ट लेग है, ब्रोस्ट चेस्ट है, जिंगर बर्गर है, इसके अलावा पिज्जा सैंडविच है, पिज्जा जिंगर बर्गर है, पिज्जा फ्राइज है। सर ब्रोस्ट क्वार्टर चेस्ट 300 रुपए का है, और 300 रुपए का, 300 रुपए का जी, और लेग ब्रो 270 रुपए का। गुड यार, पूरे सही प्राइस में चल रहा है। जिंगर बर्गर 250 रुपए का। गुड यार, गुड गुड, जबरदस्त। अच्छा भाई ये जो पूरा फास्ट फूड वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपके ये रेगुलर सालन रखे हुए हैं, क्या क्या है ये, क्या क्या आइटम है? चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा, चिकन कोरमा, आलू कीमा, आलू कीमा, फ्राई, मगज फ्राई, अंडा चना, अंडा चना, दाल माल, दाल चना, वाह वाह वाह, और सब्जी आलू गोभी। क्या बात है भाई, सारे आइटम रखे हुए दरबारी मदीना में माशाल्लाह है। पाया भी होता है, पाया भी छोड़ी है आप लोगों ने के नहीं? सर अभी चाइनीज वगैरह बचा है, वो भी इंशाल्लाह प्लान है अगले हफ्ते, यहाँ बाकी जो है तकरीबन तो चीज़ें मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई जबरदस्त। काशान भाई कितने बजे खुलता है रेस्टोरेंट आपका? सर सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है, सुबह 10 बजे से रात 4 बजे तक। रात 4 बजे तक नाश्ता नहीं होता है? नहीं नाश्ता फिलहाल नहीं है, नाश्ता नहीं होता।
नाश्ते के टाइम पे बंद होता है वरना लंच खुला होता है जी। और ये सामने भाई मुझे नजर आ रहा है निहारी का सेटअप, जहाँ पे अभी तक मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप क्यू देखें निहारी के ऊपर, इतनी लंबी ये क्यू लगी हुई है सिर्फ पार्सल वालों की, इसके अलावा लोग आके डाइन इन करते जा रहे हैं और सारे ही आइटम जो है ना वो रनिंग में है इस वक्त। बहुत ही आला सीन बना हुआ है, ये देखें आप रोज निकल रहा है। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है आपका तो बहुत सब्सक्राइब कर करके थक गए सारे, देखते हैं अम्मा अम्मी बड़ी चौक से देखती है आपका पूरा। सलाम कहिएगा अम्मी को। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, क्या हाल है सर? कैसे हैं आप? ठीक है सर, काफ़ी वीडियो देखी है आपकी। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? भाई ये निहारी का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सीन बना हुआ है, निहारियों की निहारियाँ निकलती जा रही हैं, बड़ी सी पसीली लगी हुई है पार्सल के लिए, क्यू लगी हुई है बहुत ही लंबी सी, और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है निहारी की, स्पेशल निहारी, स्पेशल निहारी। मगज भी है, नली भी है, नली मगज स्पेशल शादी, ये नली मगज बिक्स स्पेशल होती है, कितने की होती है वो? ये 580 की है। 580 की, कितने लोग खा लेंगे उसमें? चार से पाँच बंदे आराम से खा लेते। अच्छा, 580 एक सिंगल निहारी होती है, 250 की होती है, उसमें भी तीन बंदे चार तो तड़का भी लगाते हैं, बघार भी लगाते हैं। जी जी हाँ, वो भी लगाते हैं, लगाते हैं वो। जी जी, यानी मैक्सिमम जो निहारी है वो 580 की है। जी जी, स्पेशल निहारी जो है वो 580 की मैक्सिमम, वो आपको बड़ी जगह पर 1800-1700 से मिलती है। ओहो हो, ये देखो भाई पूरी बोंग है, ये है ना पूरी बोंग है ज़बरदस्त निहारी की, और ये इसके अंदर फिर रखते हैं, यहाँ से गोश्त जो है वो ऑर्डर के हिसाब से फिर देते रहते हैं, क्या बात है। और यहाँ पे ये गूदा रखा हुआ है, मगज रखा हुआ है स्पेशल, इतना बड़ा पतीला, ये कितने केजी का पतीला होता है ये? 15 केजी का है ना जी। अच्छा, एक पतीला वो लगा हुआ है, उधर से भी निहारी निकल रही है और इधर से भी निकल रही है सर, दो माशाल्लाह पतीले तो चल रहे हैं ये माशाल्लाह। यहाँ पे तो पार्सल के ऑर्डर है मैं देख रहा हूँ जी सर, है ना, पार्सल का अच्छा काम है माशाल्लाह, पार्सल के ज़्यादा टेक अवे ज़्यादा हो रहे हैं, क्वालिटी में अच्छी है ना, इस वजह से लोग ज़्यादा पार्सल ले जाते हैं। वेरी नाइस, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त घी का तड़का लगा भाई निहारी पे, और मक्खन में हो रही है ये दाल फ्राई, क्या बात है। क्या हाल है खान बाबा? ठीक है, कौन कौन सी चाय है भाई? मेरी छे अजमा छे, ड्राई फ्रूट छे, कॉफी छे, गारंटी छे, इस्तेमानी छे, उत्पत्ति छे, कड़ छे। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सीन बना हुआ है दरबारे मदीना के ऊपर जो है ना, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो, हर तरह का मेन्यू यहाँ पे, नान के लिए भी क्यू लगी हुई है, चाय की भी बहुत सारी वैरायटीज है, गोश्त कट रहा है, बारबेक्यू लग रहा है, और जो एनर्जी जो वाइब है यहाँ की, जो रौनक है माशाल्लाह वो बहुत ही ज़बरदस्त है। खास तौर पे निहारी पे जो क्यू लगी की देखी है मैंने, तो निहारी खाने का जो क्रेविंग है ना वो बहुत बढ़ गई है, तो अभी हम जो है वो ज़रा बस टेस्ट करते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ खाने और चेक करते हैं कि कैसा टेस्ट है। ये जो चाय को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, दूसरे से तीसरे में डालते हैं यूं यूं करके, उसकी क्या वजह होती है? इसका जो जोश है, जोश है? इसका जो चाय का जो जोश है, जोश जोश कहते हैं जो अच्छा आता है इसे। अच्छा, ये यूं यूं करके मग्गे में यूं करके लंबी लंबी डालते हैं, इसका मतलब चाय भी तो चाय जरा फट जाती है, टेक्निक है ये। कौन कौन से टिक्के बन रहे हैं ये? मलाई टिक्का, चिकन टिक्का और धागा कबाब, और इधर क्या क्या रखा है? ये बिहारी बिहारी बोटी, चिकन बोटी, मलाई बोटी, रेशमी कबाब, वाह रे वाह, वाह रे वाह, बिहारी टिक्का, चटखारा टिक्का। चटखारा टिक्का कौन सा है? इधर कहाँ है चटखारा टिक्का? कहाँ है चटखारा टिक्का? बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसमें क्या होता है? ज़्यादा स्पाइसी होता है वो? हाँ वो स्पाइसी होता है, बिहारी टिक्का स्पाइसी होता है। अच्छा, और पनीरी टिक्का है, और पनीरी बोटी है, ग्रीन टिक्का है। ये क्या पुलाव का टुकन है? जी जी, डाल दिए, डाल रहे हैं आप डब्बे में? डाल दिया नाम भाई, ये लोग डाल डाल के जा रहे हैं, नाम निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह निकलेगा। हैं बाइक मिले तो मुझे भी शक्कर है ना, आज ही आप ले लीजिएगा। ठीक है, पूरी रख ले भाई। डाइनिंग सेटअप बड़ा ज़बरदस्त है, बाहर भी यहाँ पे तख्त वगैरह लगे हुए, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और ऊपर जो है ना वो पूरा फैमिली हॉल है, वो ज़रा चेक करते हैं भाई। ये बड़ा ज़बरदस्त सा फैमिली हॉल है, फैमिली बैठी हुई खाना भी खा रही हैं राइट एंड लेफ्ट, और एसी भी यहाँ पे लगा हुआ है,
क्योंकि अब गर्मी हो गई है ठीक ठाक, तो आप यहाँ पे आराम से जो है वो आके फैमिली के साथ भी खाना अपना एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे रेट भी काफ़ी मुनासिब है, जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। मज़ा आता है देख के, एंजॉय करने को दिल करता है, दिल करता है कि वहाँ पे बैठ के साथ में खाएं। थैंक यू यार, थैंक यू, मज़ा आता है यार। थैंक यू। ओके भाई, खाना आ गया हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त सा खाना आया है माशाल्लाह। ये हमारी स्पेशल निहारी, ये हमारा पुलाव, ये हमारा अंडा कबाब, कबाब मसाला, चपाती, पराठे, नान, और ये भाई ब्रोस्ट है, साथ में जिंगर है, ये चटपटा टिक्का है, क्या बात है। सामने मेरे रखी है ये 580 की निहारी है, प्लेट पूरी मगज़ और नली, और इतनी बड़ी प्लेट है कि ये दो लोग आराम से खा सकते हैं, और दूसरी जगहों के ऊपर जाएं आप तो काफ़ी एक्सपेंसिव निहारी चल रही है आजकल, लेकिन मगज़ नली की ये 560 रुपए की, 580 रुपए की निहारी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी है प्राइस के हिसाब से। सबसे पहले मैं इसी को टेस्ट करूंगा भाई, और ये जो नींबू है, क्योंकि मगज़ और गूदा अगर ठंडा हो गया तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा, तो सबसे पहले ज़रा हम निहारी को टेस्ट करें। ये आप देखें, एक बड़ा सा इसके अंदर ये मीट का एक चंक है। ये आप चेक करें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरबार मदीना की निहारी। भाई इतनी लंबी क्यों लगा के लोग अगर खड़े हुए हैं तो कोई तो बात है ना। थोड़ा मगज़ के साथ भी टेस्ट करते हैं। ये भाई मगज़ के बड़े बड़े चंक्स, थोड़ा सा हम ये मीट लेंगे। यार ये गोश्त की जो है ना क्वालिटी बहुत आला लग रही है मुझे, और इसके ऊपर थोड़ा सा ये लीमू, और ये एक हरी मिर्च, अदरक, ये है भाई माहौल। वाह भाई वाह, नो डाउट निहारी बहुत अच्छी है। निहारी का जो जायका है, 1989 से ये निहारी है भाई दरबार मदीना की, यही वजह है कि हमें इतना रज भी नज़र आया, और नो डाउट टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है भाई। निहारी इतनी अच्छी है कि मैं दिल चाह रहा है निहारी खाता रहूं, लेकिन यहाँ पे पुलाव के ऊपर जो है ना वो चल रही है स्कीम, तो पुलाव टेस्ट करना तो बनता है। ये आप चेक करें भाई, पुलाव के ऊपर जो है ना वो तली हुई प्याज की टॉपिंग है। पुलाव अच्छा है भाई, पुलाव की भी काफ़ी सारी अकसाम होती हैं, और इसके अंदर हल्की सी स्पाइस है। वैसे पुलाव जो है ना, जो ट्रेडिशनल पुलाव है उसके अंदर स्पाइसेस वगैरह इतनी नहीं होती, मिर्च नहीं होती, लेकिन कराची के हिसाब से और यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा ट्रेंड इसके अंदर चेंज हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर पुलाव के अंदर स्पाइस है, लेकिन चावल बहुत मज़ेदार है, यखनी का भी जायका इसके अंदर आ रहा है, गोश्त का मज़ेदार सा, और मीट की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। निहारी, पुलाव, और एक और जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा, वो थी ये कबाब मसाला, अंडा कबाब, क्योंकि लाहौर में एक मामा कबाबों वाला है, वो इसी तरह बनाते हैं, अंडा और टिक्की और ये सब मिक्स करके उसको बनाते हैं तवे के ऊपर कटाकट स्टाइल में, और कराची के अंदर ये चीज़ मुझे यहीं पर नज़र आई है, जो इस तरह से प्याज और टमाटर और अंडा और सब कुछ मिक्स करके, तो उसको मैं टेस्ट करूँगा और चेक करते हैं कि मामा कबाबों वालों की तरह इनका टेस्ट है या नहीं। पराठे के साथ मैंने लिया है, वैसे आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, इसके साथ प्याज और चटनी इन्होंने सर्व की है, लेकिन बग़ैर चटनी के टेकते हैं। कबाब मसाला जो है ना भाई, ये बिल्कुल लोकल आइटम है, क्योंकि शामी कबाब जो है वो दाल के बने होते हैं, अंडा होता है, प्याज और टमाटर, और 180 रुपए की एक प्लेट होती है ये, इस लिहाज से काफ़ी इकोनॉमिकल है, टेस्ट में भी मज़ेदार है, और मामा कबाबों वालों की तो एक स्पेशलिटी है, लेकिन ये इसका टच जो है ना वो इसके अंदर आ रहा है, लाहौर वाला मज़ेदार। थोड़ा चटनी के साथ टेस्ट करते हैं भाई ये कबाब मसाला। इमली और पुदीने की चटनी के साथ जब आप मिला के खाते हैं तो और थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, थोड़ा मज़ेदार हो जाता है, चटपटा हो जाता है, और मेरे ख्याल है कि अगर आप इसको बन के साथ भी खाएँ तो और मज़ा आए। ये आप चेक करें, ये चटपटा टिक्का हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं।
नॉर्मल चिकन टिक्का जो है उससे हटके इसका टेस्ट है, क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल है चिकन टिक्का तो के ऊपर कोई मसाला लगाया हुआ है। मज़ेदार है यार। नॉर्मल चिकन टिक्का 300 का है और ये चटखारा टिक्का जो है वो 350 का है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी वो फास्ट फूड की प्राइस थी, क्योंकि 300 का चेस्ट ब्रोस्ट है और 270 का 280 का जो है वो लेग का ब्रोस्ट है, जो कि आजकल चिकन थोड़ी महंगी हुई हुई है, लेकिन उसके बावजूद रेट जो है वो यहाँ पे ब्रोस्ट के वो काफ़ी मुनासिब है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी बात पे मैं ये चिकन ब्रोस्ट नो डाउट भाई, असल में खाने के अंदर जो इतना टेस्ट है ना, उसकी वजह मेरे ख्याल है नाम के असरात भी हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम है दरबार मदीना, और इतना अच्छा नाम हो और खाने में टेस्ट ना हो तो ऐसा तो मुश्किल ही है। सारा खाना अपनी जगह बहुत लजीज है माशाल्लाह, और इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर है, लेकिन हाईलाइट है भाई निहारी नो डाउट, कबाब मसाला भी, पुलाव, एवरीथिंग। दरबार मदीना 4K चौरंगी के पास है, मैंने आप लोगों को बताया, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आइए और मज़े के खाने इन्जॉय कीजिए। ये आ गई भाई हमारी चाय और ये आ गई खीर, क्या बात है भाई, क्योंकि इतना अच्छा खाना खाया है तो मीठा तो बनता है ना, और मीठा तो आपको पता है कि ज़रूरी है। ये आ गई ठंडी ठंडी खीर गरम गरम मौसम में कराची के। इलायची की खुशबू वाली, खोए मलाई वाली मज़ेदार सी खीर, ज़बरदस्त। और भाई खान साहब बना रहे थे इतनी ज़बरदस्ती चाय, और चाय के बिना तो क्या जीना, चाय बिना क्या जीना यार, वो है बहुत आला दूध पत्ती है भाई, और बहुत ही ज़बरदस्त दरबार मदीना है रेस्टोरेंट ये, और यहाँ पे हर तरह के आइटम आपको मिल जाएंगे, जिस भी तरह की आपको रिक्वायरमेंट है, चाहे दोपहर का खाना हो या फास्ट फूड हो या कढ़ाई या निहारी। बहुत ही मज़ा आया भाई, उम्मीद है आप लोगों को भी वीडियो देख के मज़ा आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।